बहुत पुरानी बात है, जयपुर नाम का एक गांव था। ये गांव एक बहुत बड़े जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। जयपुर गांव के पास जो जंगल था उसको पार करके एक बहुत बड़ी घाटी थी जो दो पहाड़ों के बीच में थी। उसको सब रहस्यमय काली घाटी बोलते थे। बताते हैं कि वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता था। सोहन और मोहन के पास बहुत सारी गायें थी जिनसे वो दूध दही और घी निकालते थे। उनको बेचकर वह बहुत सारा पैसा कमाते थे। एक बार की बात है, भाई सोहन, मैं गायों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा हूँ। शाम ढलने से पहले आ जाऊंगा। ठीक है भाई। अजी सुनिए, ये रोटी भी रख लीजिए, आप खा लेना, शाम होने में भी बहुत समय है। ठीक है, लाओ दे दो। मोहन गायों को लेकर चला जाता है और जंगल के किनारे पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है और उसकी गाय हरी भरी घास चरने लगती है। थोड़ी देर बाद मौसम खराब होने लगता है और मोहन अपनी गायों को लेकर घर की तरफ जाने का प्रयास करता है। तभी बहुत तेज आंधी चलने लगती है और एक पेड़ टूटकर रास्ते में गिर जाता है, जिससे गाय डरकर उल्टी दिशा में भागने लगती है और तेजी से जंगल की तरफ भागते हुए कहीं गुम हो जाती है। आंधी तेज होने की वजह से मोहन खुद को बचाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद आंधी तो रुक गई, लेकिन गाय कहाँ चली गई वो? मोहन परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कहीं नहीं दिखती। थोड़ी देर में सोहन भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे भाई मोहन, गाय कहाँ है? सोहन, गाय कहीं गुम हो गई है। शायद पेड़ गिरने की वजह से वो डर गई और जंगल की तरफ चली गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें जाना पड़ेगा उनको ढूंढने। हाँ भाई चलते हैं, लेकिन अगर वो काली घाटी में चली गई होंगी तो चल के ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। ठीक है चलते हैं। दोनों निकल जाते हैं गायों को ढूंढने के लिए। जंगल का खतरनाक रास्ता, ऊंचे ऊंचे पेड़, उबड़ खाबड़ जमीनें, दोनों डरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में दोनों सोचते हैं, अगर गाय काली घाटी में चली गई होंगी तो क्या होगा, वहाँ से कोई वापस नहीं आता, यही लोग बोलते हैं और बरसों से वहाँ कोई गया ही नहीं। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में बहुत तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ते रहते हैं। काफी देर चलने के बाद भाई मोहन, वो देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं और घाटी भी है, लेकिन वो देखने में ही बहुत खतरनाक है। हाँ भाई, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होगा। जैसे ही दोनों घाटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़े जानवर का कंकाल दिखाई देता है। अरे सोहन, ये क्या है? मुझे नहीं पता, ये कोई बहुत बड़े जानवर का कंकाल लगता है, और ये तो इतना बड़ा है कि हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। सोहन डरना नहीं, हमारी गाय यही कहीं होंगी, चलो ढूंढते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। अब शाम भी होने लगती है और अंधेरा भी छाने लगता है। उधर गांव में सब लोग परेशान हो जाते हैं। सोहन और मोहन की पत्नियां प्रधान के पास जाती हैं। प्रधान जी, प्रधान जी, सोहन और मोहन जंगल की तरफ गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे, हमारी मदद करिए। अभी तो रात होने वाली है, इस समय जंगल में जाना ठीक नहीं है। प्रधान दोनों सोहन और मोहन की पत्नियों को समझा कर घर भेज देता है। उधर अंधेरा हो जाता है और सोहन और मोहन काली घाटी में काफी आगे तक निकल जाते हैं। उन्हें डर भी लग रहा है और रात होने से परेशान भी हैं। सोहन, अब अंधेरा हो गया है, आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या करें? मोहन, हम उस पेड़ पे चढ़कर सो जाते हैं, सुबह शायद कुछ दिख जाए। दोनों एक बड़े पेड़ पे चढ़कर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों की आँख खुलती है, उजाला हो चुका होता है। मोहन, अब तो उजाला हो गया, चलो नीचे चल के देखते हैं अपनी गाय कहाँ है। नहीं सोहन सुनो, ये पेड़ बहुत ऊंचा है, क्यों ना हम इसके ऊपर जाके देखें, शायद कुछ दिख जाए। ठीक है, मैं जाता हूँ। सोहन पेड़ पर चढ़ता है और उसे कुछ दूर एक खाली मैदान दिखता है। उस मैदान पर कुछ जानवर भी घूम रहे होते हैं। फिर वह मोहन को बुलाता है। मुझे कुछ दिखा, चलो जल्दी। ठीक है, तुम नीचे आ जाओ, हम चलते हैं।
दोनों तेजी से उस दिशा की तरफ चलते हैं और पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं एक बहुत बड़ा खाली मैदान है और वहां बहुत सारे कंकाल भी पड़े हैं जो सालों पुराने हैं और उनकी गायें भी वही हैं। वो गायों को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको लेकर गांव की तरफ चलने लगते हैं। उधर गांव वाले सोहन और मोहन को ढूंढने के लिए जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं। सोहन और मोहन भी काली घाटी से निकलकर जंगल तक पहुंच जाते हैं। सोहन, हमारी गायें सही सलामत है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मोहन, ये अच्छी बात है, लेकिन वो कंकाल किसके थे और हम शायद पहले इंसान होंगे जो काली घाटी से वापस आए हैं। हाँ भाई, मुझे लगता है ये डायनासोर की हड्डियाँ थी जो बहुत सालों पहले मर चुके हैं। ये बहुत खतरनाक होते थे, इसलिए लोग वहाँ जाने से डरते थे। तुम सही कह रहे हो भाई। धीरे धीरे वो अपनी गायों को लेकर जंगल के दूसरे छोर पर पहुँचते हैं। उनको देख कर गाँव वाले खुशी से नाचने लगते हैं और सब उनके वापस आने पर आश्चर्य में है। फिर दोनों सारा किस्सा बताते हैं। गांव वाले उनकी हिम्मत और बहादुरी की सराहना करते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। पुरानी बात है, कृष्णपुर गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था जिसका नाम त्रिलोकी था। वह गरीब के साथ साथ बहुत सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के किस्से सारे गाँव में प्रशंसित थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। मेहनत मजदूरी करके वह अपना परिवार चलाता था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था और उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेचता था। इस तरह वह अपने घर का खर्चा चलाता था। उसी गांव में रंभा और शंभा नाम के दो शातिर चोर थे और उनका घर तिलोकी के घर के पास ही था और वह पूरे राज्य में बदनाम थे। इस बार राजा के खजाने में चोरी हो जाती है और पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। मंत्री, आज हमारे खजाने में चोरी हुई है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। मुझे चोर और चुराया हुआ खजाना दोनों के दोनों अभी चाहिए, जल्दी से ढूंढ निकालो। जी महाराज, हमने अपने चर छोड़ दिए हैं, जल्दी ही पता चल जाएगा चोर और खजाने का। ठीक है, जल्दी खजाना ढूंढना होगा, उसमें रानी का नौलक्का हार भी है। मंत्री और सैनिक उस खजाने को ढूंढने के लिए राज्य के सभी गाँव में एक एक करके जाने लगे और इस बात की खबर रंभा और शंभा को भी पता चली। क्योंकि चोरी उन्होंने किया था तो वो डर के मारे कांपने लगते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि चोरी का खजाना त्रिलोक के घर में छुपा देते हैं, सब शांत हो जाएगा तब उसको निकाल लेंगे। त्रिलोकी सबसे ईमानदार है, उस पे कोई शक भी नहीं करेगा। यही सोचकर रंभा और शंभा ने खजाने को त्रिलोकी के लकड़ियों के गट्ठे के पीछे छुपा देते हैं। गुप्तचर से सूचना मिलती है कि चोरी रंभा और शंभा ने की है और खजाने को कहीं कृष्णपुर गांव में छुपा रखा है। महाराज, हमें पता चल गया है कि चोरों ने खजाना कहाँ छुपाया है। मंत्री, जाओ अपने सैनिकों के साथ और खजाना और चोरों को पकड़ के लेके आओ, चोरों को बहुत सख्त सजा मिलेगी। जी महाराज। मंत्री और सैनिक के साथ कृष्णपुर गांव पहुंच जाता है और आदेश देता है कि गांव के हर एक घर की तलाशी लो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। सैनिकों ने पूरा गांव छान मारा पर कुछ नहीं मिला। अंत में दो घर बचते हैं, त्रिलोकी और रंभा और शंभा का घर। मंत्री बोलता है अब बाकी बचे इन दोनों घर की भी तलाशी लो और सभी सैनिक वह सबसे पहले रंभा और शंभा के घर की तलाशी लेते हैं। वह दोनों वहीं खड़े होकर हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि खजाना उनके पास तो है पर उन सैनिकों को मिलेगा नहीं। और अब सैनिक त्रिलोकी के घर की ओर बढ़ते हैं। मंत्री जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपनी परिवार का पेट पालता हूँ, मैंने चोरी नहीं की, हमारे घर की तलाशी मत लीजिए। त्रिलोकी को पता था उसकी घर की हालत ठीक नहीं है और यह सब देखेंगे जो उसको और उसके परिवार को अच्छा नहीं लगेगा और सभी गांव वालों को पता चल जाएगा। चोरी राजमहल में हुई है और ये महाराज का आदेश है और हमें इसका पालन करना पड़ेगा। सैनिक तलाशी लेने लगते हैं। सच में त्रिलोकी के घर की हालत बहुत खराब होती है। सैनिक तलाशी लेते लेते उसके घर के पीछे लकड़ियों के गट्ठे के पास पहुंच जाते हैं और उनको हटाने लगते हैं। तो जैसे ही लकड़ी का गट्ठा हटाते हैं क्या देखते हैं, वहां पर राजा का खजाना होता है
और फिर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और त्रिलोकी को पकड़कर ले जाते हैं। मैंने चोरी नहीं की, मुझे कुछ नहीं पता, ये यहाँ कैसे आया, मैं निर्दोष हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरा परिवार खाए बिना मर जाएगा, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये निर्दोष है। ले चलो इसको, हमें खजाना और चोर दोनों मिल गए और इसका फैसला अब महाराज करेंगे। सैनिक त्रिलोकी को बंदी बनाकर दरबार में पेश करते हैं और सबूत के आधार पर दोषी मानकर मृत्युदंड दे दिया जाता है। सजा मिलने के बाद त्रिलोकी अपनी पत्नी से मिलता है और दोनों रोने लगते हैं। फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें। तभी त्रिलोकी को कुछ याद आता है। सुनो, कल तुम अपने मंदिर में रखा हुआ शंख लेकर आना। क्यों जी, उसका क्या करोगे आप? तुम्हें याद है पिछले साल हमारे घर एक साधु महाराज आए थे और हमारी सेवा सत्कार से खुश होकर उन्होंने वो शंख हमें उपहार में दिया था और कहा था, ये रख लो बेटा, ये बहुत ही विशेष शंख है, ये तुम्हारी विपत्ति के समय में मदद करेगा। शायद वो शंख हमारी कुछ मदद करे, तुम ले आना। ठीक है जी। अगले दिन दरबार लगता है, सारी प्रजा के सामने त्रिलोकी को फांसी होनी होती है और कृष्णपुर गांव की पूरी प्रजा भी वहीं होती है, जिसमें रंभा और शंभा भी होते हैं। वे बहुत खुश होते हैं कि आज त्रिलोकी को सजा होगी। राजा ने त्रिलोकी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। महाराज, मुझे एक बड़ी कढ़ाई चाहिए जिसमें पूरा पानी भरा हो और आपको उस कढ़ाई के पास आना होगा। एक बड़ी कढ़ाई का इंतजाम किया जाए और उसमें पानी भरवाया जाए। सैनिक एक बड़ी कढ़ाई लेके आए और उसमें पानी भर दिया। सुनती हो, वो शंख तो लाना जरा मेरे पास। त्रिलोकी की पत्नी शंख को लाकर त्रिलोकी के हाथ में दे देती है और त्रिलोकी जोर से शंख बजाता है। फिर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब शंख से आवाज आती है, क्या हुआ त्रिलोकी, तुमने मुझे क्यों याद किया? हे शंख, क्या आपको पता है राजा जी के खजाने की चोरी किसने की? हाँ त्रिलोकी, मुझे पता है। फिर आप राजा जी को बताइए। ठीक है, आप सब पानी से भरे कढ़ाई के पास आ जाइए, मैं आप सबको दिखाता हूँ। फिर शंख ने सारी चोरी की वारदात को उस पानी में दिखाया। उसके तुरंत बाद रंभा और शंभा को पकड़ लिया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने त्रिलोकी को उपहार के तौर में राज दरबार में नौकरी दी और त्रिलोकी ने जादुई शंख की मदद से राज दरबार में होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं की सच्चाई बताता था और अब वो और उसका परिवार खुशी पूर्वक रहने लगे और अब उनका राज्य और भी समृद्धि और शक्तिशाली बन गया। पुरगांव गंगा के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में कुल 15-16 परिवार रहते थे। लक्ष्मी भी उसी गांव में रहती थी। लक्ष्मी के बचपन में ही उसके माँ और पिताजी का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। वो अपनी दादी के साथ रहती थी। लक्ष्मी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगाती थी, बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं बनाती थी और उसके बाद वो अपने खेतों में काम करने जाती थी। उनके पास उनके खेत ही जीविका के साधन थे। उसकी दादी की चिंता भी लक्ष्मी थी, जो अब युवा अवस्था में पहुंच गई थी, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहती। लक्ष्मी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, तुम्हारे लिए एक योग्य लड़का देखकर शादी करवा देते हैं। नहीं दादी, कैसी बात करती हैं आप, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी कर लूंगी तो यहाँ से चली जाऊंगी, फिर उसके बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे पगली, मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मेरा क्या है, 2-4 साल की मेहमान हूँ, जब ईश्वर का बुलावा आएगा तब चली जाऊंगी। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। नहीं दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। एक बार जनकपुर गांव में बाढ़ आई और पूरे गांव की फसल खराब हो गई। जैसे तैसे सबने अपनी जान बचाई और इसके बाद और बुरा हुआ। गांव वालों के पास खाने की कमी होने लगी क्योंकि सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। जिनके घरों में आदमी थे वो तो शहर चले जाते थे और दिहाड़ी मजदूर का काम करके अपना खर्चा चला लेते थे। मुश्किल तो लक्ष्मी और उसके दादी का हो गया। उनके पास कुछ दिनों का ही राशन बचा था। दोनों को बहुत चिंता होने लगी।
दादी दादी, बाढ़ ने सारी फसल को बर्बाद कर दिया और हमारा राशन भी खत्म होने वाला है। लो, इस पर तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। सही बात है लक्ष्मी, 2-4 दिनों के बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। क्या करें दादी? बेटी, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, वही कुछ इंतजाम करेंगे। जैसे तैसे 2-3 दिन बीत गए। लक्ष्मी और दादी की चिंता और बढ़ने लगी। लक्ष्मी सुबह सुबह उठकर नहा धोकर माँ दुर्गा की पूजा करने बैठ गई। मन ही मन माँ दुर्गा से बोली, माँ कितने साल हो गए आपकी पूजा करते हुए, आपने हमें कभी दुखी नहीं होने दिया, लेकिन ये कैसा समय आ गया है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब हम दोनों आपके ही सहारे हैं, आप ही कुछ मदद करिए माँ। लक्ष्मी वहीं दुर्गा माँ की प्रतिमा के नीचे सर झुकाए बैठ जाती है। तभी सामने जो दुर्गा माँ की प्रतिमा रखी होती है। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? मैं हूँ बच्चा, तुम्हारी दुर्गा माँ। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं ही हूँ लक्ष्मी। अच्छा बताओ क्या हो गया, इतनी दुखी क्यों हो मेरा बच्चा? माँ आपको तो सब पता ही होगा, बाढ़ की वजह से हमारी सारी फसल खराब हो गई है माँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं और मेरी दादी अब कैसे क्या करेंगे माँ। लक्ष्मी तुम परेशान मत हो, ये लो, यह एक जादुई कटोरा है, तुम्हें जब भी कुछ खाने का मन करे इस कटोरे को बोल देना, ये कटोरा उस खाने से भर जाएगा। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। लक्ष्मी एक बात का ध्यान रखना, ये केवल तुम्हारी ही बात सुनेगा, अगर कोई और इसको आदेश देगा तो यह कुछ नहीं करेगा। ठीक है माँ, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। एक बात और लक्ष्मी, जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो ये कटोरा अपने आप वापस चला जाएगा, जिससे तुम इसके ऊपर निर्भर ना हो जाओ। ठीक है माँ, आप धन्य है माँ, आज विश्वास हो गया कि आप ही जगत की जननी है। उसके बाद लक्ष्मी और दादी की चिंता दूर हो जाती है और उन्हें अब मनचाहे पकवान मिलने लगते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरने लगता है और खेत सूखने लगते हैं। लक्ष्मी रोज जाकर खेतों को देखती है कि खेत अभी फसल बोने लायक हुआ है कि नहीं। 20-25 दिन बाद खेत सूख जाते हैं और फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। लक्ष्मी और दादी बहुत खुश होते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल रुद्रा टीवी हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। कहानी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।